अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से? चलें सबसे पहले अच्छी बात, बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम संवार देता है, और जिसका काम रब संवार दे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत बात। चलें अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से आलू कीमे के कटलेट्स। आलू कीमे के कटलेट्स के लिए मैंने लिया है हाफ के जी, देखिए कीमा लिया है मैंने, बीफ का कीमा लिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, मीडियम साइज़ का प्याज, इसको बारीक चॉप काट लिया। इसके अलावा मैंने लिया 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, देन 1/2 टीस्पून नमक। ये तो हो गई हमारे फिलिंग के अज्जा। अब चलते हैं कोडिंग की तरफ। इसके अलावा मैंने लिया है, देखें, आलू 4 अदद मैंने आलू लिए थे, इनको बॉयल करके अच्छा सा मैश कर लिया है। हरा धनिया 1/2 प्याली, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, नमक 1/2 टीस्पून, 1 अंडा। चलें अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, प्रोसेस बताते हैं किस तरीके से इसको बनाते हैं मज़ेदार से आलू कीमे के कटलेट्स। चलें स्टार्ट करते हैं। देखें व्यूअर्स, मैंने एक फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर किया है। देन मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड करूंगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज डाली मैंने। प्याज को हल्का हल्का फ्राई करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, देन मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। स्टार्ट में मैंने आपको अदरक लहसुन का पेस्ट बताना भूल गई थी, 1 स्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, 1 टीस्पून। इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ, ऑलमोस्ट 1 मिनट तक इन दोनों को मिक्स करके फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे, टेस्टी, बहुत ही डिलिशियस से बनते हैं, बड़ों को, बच्चों को, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें अच्छा सा इसके साथ मिक्स होके फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे। ये हमारा कीमा गया, कीमे को फ्राई करेंगे। देन कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो कीमे को कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आपने कम बनाने हैं तो ये देखिए इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। कलर चेंज होने तक मैंने इसको कुक किया है। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी एंड भुना कुटा जीरा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छा सा इसके साथ फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छा सा टाइटली सा भून लिया है बिल्कुल। इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और आप इस स्टेज पे नमक और मिर्चों को टेस्ट कर सकते हैं। आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छा सा ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं, और ये अच्छे से भुन भी चुका है। फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ और इसको ठंडा करने के लिए रखती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है, हमने ये जो आलू का पेस्ट है इसके अंदर हरा धनिया ऐड करना है, नमक और हरी मिर्च, इनको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अच्छा सा मिक्स करके पेस्ट बिल्कुल रेडी कर लेना है। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से बेहतरीन सा मिक्सर रेडी कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। देन अब इसको क्या करना है, इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से प्रेस करना है। ये देखिए इस तरीके से, देन आपने इसमें कीमा सेंटर में फिल करना है। ये देखें इस तरीके से, और इसको इस तरीके से
फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आपने इसको राउंड राउंड कर लेना है। ये देखिए ये हमारा फिलिंग हो चुकी है कीमे की। ये देखिए इस तरीके से आप चाहें तो इसको राउंड बना लें, चाहे तो चपटे चपटे बना लें, जैसा आपका दिल करे। अब आपने इसको इस तरीके से करके ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो चुका है। ये देखें अब क्रम्स में हम करेंगे, ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से अंडे में हल्के हल्के से डिप करेंगे और देन वापस ब्रेड क्रम्स में। ये देखें और इस तरीके से इसको हम प्लेट में रख देंगे। नेक्स्ट मैंने लिया है, नेक्स्ट भी इसी तरीके से लेना है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से कवर करना है आपने हल्के हल्के हाथ से। देखें इस तरीके से बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ से आपने करने हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए बहुत आराम से इस तरीके से आपने इसको अच्छे से कवर करने। ये देखें ये कवर हो चुका है। ये देखें अब इसको हम पहले अंडे में डिप करेंगे, देन ब्रेड क्रम्स। ये देखिए तरीके से सारे में इसी तरीके से बना बना कर साइड में प्लेट में रख लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स मैंने 1 2 3 4 5 तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको मैं दिखाती हूँ इसको मैं जब किस तरीके से फ्राई करना है। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं मजेदार से, बस अब इनको फ्राई करना है हमने। ये देखिए तरीके से बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसको राउंड शेप दे लें, लॉन्ग शेप दे लें, एज यू विश, जैसा आपको पसंद हो आप वैसा शेप दे सकते हैं। चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। ये देखें व्यूअर्स मैंने एक फ्राई पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल गरम किया है, देन मैं अब इसमें ये फ्राई करूंगी आलू एंड कीमे के कटलेट्स। ये देखें ये बनाकर आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, फिर उसके बाद फ्राई करें तो ये अच्छा सा टाइटली हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऐसा करते हैं सारे ही एक साथ डालकर फ्राई कर लेते हैं। बच्चों बड़ों को आप सबको बना कर दें, सबको बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखें चलिए इनको फ्राई करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर रिसीव हो सके। चलें ये देखें 1 मिनट तक हम इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए इसमें। ये देखें व्यूअर्स इसको चेक करते हैं। ये देखें इसका कलर ऑलमोस्ट ये हो चुका है। ये देखें आप देख सकते हैं इसका कलर। अब इस तरीके से मैं सारे इसको चेंज कर दूंगी इसके साइड्स। ये देखें कितना अच्छा और खूबसूरत गोल्डन सा कलर आया है। मैंने साइड्स को टर्न कर दिया ताकि उस तरफ से भी हमारा अच्छा और खूबसूरत सा कलर आ जाए। 2 से 2.5 मिनट तक हमने इसको दूसरे साइड से फ्राई करना है। ये देखें और फिर इसको चेंज कर देना है इसके साइड्स को। बहुत ही मज़ेदार से हमारे आलू कीमे के कटलेट्स रेडी होने वाले हैं। बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, झटपट से तैयार हो जाता है। आपने देखा बहुत कम टाइम लगता है, बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसान से हैं। आपने बनाकर ज़रूर ट्राई करने हैं, खुद भी खाने और घर वालों को भी खिलाने हैं। दोनों साइड से अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इसका करते हैं इसको निकाल लेते हैं एक एक करके तरीके से। बहुत हल्के हाथ से आपने इसको निकालना है, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। देखें ऐसे एक एक करके इसको निकाल लेते हैं, सारे निकाल लेती हूँ मैं। देखें आप इसका कलर देख सकते हैं, ये देखें बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, देखने में जितना डिलिशियस है खाने में उतना ही मज़े का लगता है। ये देखें चलिए मैं निकालती हूँ। ये देखें मज़ेदार से आलू कीमे के कटलेट्स बेहतरीन से बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और कितना अच्छा कलर आया है, बट ये खाने में ही इतने ही मज़ेदार और डिलिशियस बनते हैं। आपने बनाकर ज़रूर ट्राई करने हैं, अपने घर वालों को खिलाने, और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि कैसे बने। ये देखें एक चेक करते हैं को इस तरीके से, ये देखें और ये देखें
बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये देखें इसके अंदर, ये देखें आप देख सकते हैं इसका लुक, इसके अंदर फिलिंग, ये देखें। चलें इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।